जनपद कानपुर देहात के थाना मूसा नगर क्षेत्र के ग्राम शेरपुर में एक 85 वर्षीय साधु की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसके भतीजे की पोती ने सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव विच्छेदन हेतु भेज दिया है। शेरपुर ग्राम निवासी तुंगलाल 85 वर्षीय जो साधु भेष में रहते चले आ रहे थे, विगत कुछ दिनों से उनकी तबीयत गड़बड़ चल रही थी। उनको लघु शंका में भी शिकायत थी, इसके चलते उनकी मृत्यु हो गई। संत अपने छोटे भाई सरदार उर्फ भूरा के यहाँ रहते थे और उन्होंने अपने हिस्से की जमीन भी इसी भाई के परिवार को लिख दी। संत के दाह संस्कार के लिए तैयारियां भी की जा रही थी। इसी बीच मृतक के एक अन्य भाई के पुत्र ओमकार ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर कार्यवाहक थाना केपी राजन में फोर्स के मौके पर पहुंचे और सबको सील करके विच्छेदन हेतु भेज दिया है। इनका ऑपरेशन करवाया, पेशाब बंद हो गई। किसका ऑपरेशन कराया है? किसका ऑपरेशन कराया? 15-16 हजार रुपया लगता। किसका ऑपरेशन कराया था? तुंगनाथ का। कौन थे आपके भाई? अच्छा, तो क्या दिक्कत हो गई फिर? इनका ऑपरेशन कराने के बाद ये बोले कि हम टट्टी हुई पे टट्टी हुए में ये गिर गए। अच्छा अच्छा, हाँ साहब, खत्म हुआ। इसके बाद इनके हम स्थापना करना चाहते थे। अच्छा, तो ये रोका और लाठी लेकर के दौड़ पड़े कि तुम इनको अब हम ये स्थापना नहीं कराएंगे, पुलिस को बुलवाएंगे। और तुमने मारा है, मार के जो है तुम क्रियाकांड कर रहे हो। किसने कहा ये? ओमकार। ओमकार कौन है आपकी? हमारा भतीजा। उन्होंने आपत्ति लगाई है? आपत्ति लगाई है। दस संस्कार नहीं कर सकते, पोस्टमार्टम कराएंगे? संस्कार नहीं कर सकते हो, इनका पोस्टमार्टम करवाएंगे। तुम मार डाला है। सर ये इन्होंने जमीन लिखवा ली, जमीन लिखवाने के बाद इसके सर में चोट है, कमर में चोट है, पैर में चोट है। ये कह रहे हैं कि गिर गया तो गिरने से टाक में चोट होती। किसके? तुंगलाल के। ये कौन थे आप? ये हमारे दादा हैं। कब खत्म हुए हैं ये? आज खत्म हुए, आज हमको सूचना मिली। ये कमरे के अंदर इसको रखे हैं कई दिन से। क्या चाहते हैं सर? हम चाहते हैं कि उसके साथ में न्याय हो। उसके कोई संतान नहीं थी, जमीन भी लिखा ली, उसको मार पीट करके प्रताड़ित करके उसकी मृत्यु हो गई। हमारा भी जमीन किसकी जमीन किसने लिखा ली है? किसकी जमीन? सरदार सिंह, सरदार सिंह सनाब बद्री। जमीन किसकी थी? तुंगलाल की। तुंगलाल कौन है ये? ये इनका भाई है जो खत्म हो गए हैं जी। और वो चारों भाइयों के यहाँ खाना दाना सब खाते पीते थे, एक जगह स्थायी रहते नहीं।